एक तो हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हारी माँ की क्या आत्मा, तुम्हारी माँ की आत्मा से बात कराने लाया ना। जी रूबा करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक बॉली पर। जहां दोस्तों अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी भूल भुलैया 2, जिसने सिनेमाघरों में तूफान मचा रखा है। और जब से ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिल्म को 25वां दिन चल रहा है और दोस्तों 25 दिनों में फिल्म की जो कमाई है वो तूफानी कमाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 के पूरे 25 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप कार्तिक आर्यन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें भूल भुलैया 2 की तो कार्तिक आर्यन के साथ तब्बू, कियारा आडवाणी और राजपाल यादव हमें इस फिल्म में अहम किरदारों में नजर आए थे। और वहीं फिल्म को इंडिया के अंदर लगभग 3830 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म को डायरेक्ट अनीस बज्मी ने किया था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस का जो प्यार मिला है, ऐसी फिल्में किस्मत वाली होती है। कार्तिक आर्यन भी बहुत बड़े किस्मत वाले हैं और उनकी जो ये फिल्म चमकी है ना, उसे देखकर बहुत ज़्यादा मजा आ गया। इसके अलावा बॉलीवुड की और कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई जिनको फैंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और यहाँ तक कि अक्षय कुमार के सम्राट पृथ्वीराज से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उस फिल्म ने भी कोई कमाई नहीं की। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है कि भूल भुलैया 2 अपने 25वें दिन भी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और अभी आने वाले टाइम में और भी फिल्म ये कलेक्शन करने वाली है। अभी ये फिल्म रुकने वाली नहीं है। अब दोस्तों अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन 14 करोड़ 11 लाख रुपए की ओपनिंग करने के बाद फिल्म का जो पहले 1 वीक का कलेक्शन था वो था 92 करोड़ रुपए, फिर 2 वीक का कलेक्शन था 49 करोड़ रुपए और वहीं तीसरे हफ्ते का कलेक्शन था लगभग 22 करोड़ रुपए। और फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में यानी कि चौथे फ्राइडे को 1,56,00,000 रुपए की कमाई की, चौथे सैटरडे को फिल्म ने 3 करोड़ रुपए कमाए और चौथे संडे को यानी कि अपने 24वें दिन फिल्म ने 3,80,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। और फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 24 दिनों का इंडिया के अंदर वो 171 करोड़ रुपया हो चुका है। और दोस्तों फिल्म ओवरसीज से भी लगभग 45 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। और यहां पे अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं भूल भुलैया 2 के, तो फिल्म 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू चुकी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड की बड़े दिनों के बाद कोई फिल्म पसंद की गई और फिल्म बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कार्तिक आर्यन की ये फिल्म भूल भुलैया 2 कहां पे जाके रुकेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।